हेलो दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज ऐसे तीन लोगों के बारे में बताऊंगा और उनको दिखाऊंगा और उनके हालात दिखाऊंगा जिन्होंने अंधभक्ति की सारी सीमाएं पार कर दी थी, हिंदू मुस्लिम देश में करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो कहते नहीं है जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो उसी में जाकर गिर जाता है। ऐसा ही इन तीन लोगों के साथ हुआ है। तो जिसमें सबसे पहले कंगना रनावत, कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे शेयर करते हुए कहा, सरकार से अपील की है कि सरकार को टैक्स देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कोई काम नहीं बचा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं बचा, कोई मूवी नहीं बची, मेरी कोई कमाई नहीं हो पा रही है, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, तो सरकार को टैक्स कैसे दूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे उसने शेयर की है, ये उसका वेरीफाइड ऑफिशियल पेज है जिस पर उसने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए स्टेटमेंट लिखा है कि सरकार को टैक्स देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? पिछले कुछ दिनों से लगातार किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समुदाय को लेकर के ये बयानबाजी कर रही थी, जिसके बाद लोगों ने इसको नापसंद करना शुरू कर दिया। इसकी कोई मूवीज़ नहीं देख रहा था, कंपनी ने इससे सारे जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ होती हैं उन्होंने इससे एडवर्टाइजमेंट वापस ले लिए और धीरे धीरे लोगों में इसका क्रेज़ ख़त्म होने लगा। क्योंकि दोस्तों, नफ़रत ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। जो लोग नफ़रत फैलाने वाले होते हैं, अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं, उनको ये पता नहीं लग पाता है कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं। तो इसका तो डब्बा गुल हो चुका है, ये तो फ्रेश समझो इसको तुम, एकदम फिनिश। अब दूसरे नंबर पे आती है पायल रोहाती। पायल रोहाती को दोस्तों आप ज़रूर जानते होंगे। पायल रोहाती का यूट्यूब पे 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर थे। जैसे ही उसने नफ़रत फैलाना शुरू की, हिंदू मुस्लिम करना शुरू की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना उसने शुरू किया, लगातार उसके सब्सक्राइबर घट रहे हैं, लोगों ने उसको फ्लैग मानना शुरू कर दिया, उसके चैनल की बैंड बजा के रख दी। और अभी आप चेक कर सकते हैं कि जिसके 6-7 लाख सब्सक्राइबर हो उसके यूट्यूब चैनल पर 1000-2000 व्यूज़ भी ठीक से नहीं आ पा रहे हैं। लोगों के नज़रों में उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल डाउन हो गई है। जो नफ़रत उसने दूसरे धर्म के हिंदू मुस्लिम करने के लिए फैलाने की कोशिश की थी, वही नफ़रत लोगों ने उसके मुंह पर देकर मारी है, वही नफ़रत लोगों में उसके लिए पैदा हो गई है। अब वो और उसका चैनल कुछ भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। हाल ही के कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पायल रोहाती का कोई सीरियल, कोई क्रिएटिविटी, उसके चैनल पर जो ऐसी कोई वीडियो नहीं आ रही है जिसको लोग पसंद करें, जिसके 6-7 लाख सब्सक्राइबर यानी 6-7 लाख फॉलोवर्स थे, वो आनकर धड़ाम से ज़मीन पर गिरी है। तो इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह है नफ़रत। जी हाँ दोस्तों, जब करोड़पति कंगना रनावत ज़मीन पर गिर गई, आनके करोड़पति से रोड़पति हो गई, तो इसकी क्या औकात थी? तो इन जैसे लोगों के साथ लगभग यही होता है। अब मैं आपको तीसरा नाम बताने वाला हूँ और उसके बाद ही ये जो दीपक शर्मा आप साइड में देख रहे हैं, ये फेमस हुए थे लगातार मुसलमानों को बुरा भला कह करके, मार्केट में अपना ट्रेंड चलाना चाहते थे, मार्केट में अपनी पहचान चलाना चाहते थे, लेकिन आज इनको कोई नहीं जानता। जिस तरह से ये उठे थे कुछ अंधभक्त अंधविश्वास के लोगों की वजह से, उन्हीं लोगों ने इन्हें आज गिरा दिया है। क्योंकि अंधभक्ति ज़बरदस्ती जो सर की जाती है, अंधभक्ति दिल से नहीं होती है और कुछ दिनों में उसका बुखार उतर जाता है, जिसके बाद अब ये दीपक कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, कहीं गलियों में मारा फिर रहा है, कोई इसके ट्रेंड कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है। मेरा आपको समझाने का दोस्तों मतलब ये है कि नफ़रत फैलाने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ दिनों के लिए तो मार्केट में चलते हैं लेकिन वैसे ही उनका क्रेज़ डाउन हो जाता है। हमेशा मार्केट में वही चलता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलता है। इस देश में हर एक का बराबर हिस्सेदारी है, इस देश में हर अच्छे बुरे में, खुशी में गम में सब लोग साथ खड़े हैं। तो जो अंधभक्त जो भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं या जो भी देश को तोड़ने का काम करते हैं, हम उनका खंडन करते हैं और लगातार उनकी पोल खोलते रहेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जाता हूं जिसमें माशाल्लाह हमारे हिंदू भाई ने बहुत ही अच्छी बात की है। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर आपको एक बात और बताता हूँ। और इससे आगे बढ़कर एक बात आप तक पहुँचा रही हूँ, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो
या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पे तोहमत लगाता है। वाह 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 वाह। कहीं भी जंग हो, कहीं भी जंग हो, वाह, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। वाह 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 वाह। कहीं भी, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। और मैं आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूँ, आप लोगों को जो दहशतगर्द गद्दार किया जाता है, मैं इस 100 बात का एक जवाब कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। वाह वाह वाह। यकीन जानिए मैं सियासत में इसीलिए नहीं जाती कि मैं आप लोगों की बात नहीं कर सकूंगी। फिर सियासत के दरवाजे खुले हुए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा मैं आवाम की आवाज हूं, मैं लोगों की आवाज हूं, मैं सच्चाई की शायरा हूं, मैं दिल की शायरा हूं। हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे। कई लोग बोलते हैं मैं इसलिए आप लोगों के लिए बात करूं कि मुझे सियासत में जाना है, आप लोगों की मोहब्बतें वैसे ही मुझे मिलती हैं कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, इंसानियत से रब्त मेरा तोड़ रहे हो। मैं लैला ए अदब हूं मगर आप किस लिए मजनू ए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। बहुत जी हाँ, मैं बिल्कुल फिर से सुना रही हूँ कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया, और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। और फिर एक बात पहुंचा रही हूँ, सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी एक बात कहने की कोशिश करती हूँ कि सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो। वाह वाह वाह। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते। वो जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, किसी फिरौन और शद्दाद से नहीं डरते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई मुसलमान की, मुस्लिम लोगों की तारीफ करते हैं, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में जो लोग सही हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी जब भी वीडियो कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज़।